इसराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया, दक्षिणी शहर है इसराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दें। एश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इसराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहाँ से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं, बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है, और लगातार इसराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाजें, जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं गाड़ी से, हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट, आप देख सकते हैं करम दिखाइए, रॉकेट रॉकेट इधर, रॉकेट रॉकेट यहाँ, धुआं, आप देख सकते हैं किस तरह से वॉर एरिया में, न्यूज 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है, लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है इसराइल और हमास के बीच में, जो स्थिति है। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग, यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई, सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं, जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते हैं, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे, करम आप तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ, हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है, ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है, बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते हैं। इधर की तस्वीरें दिखाइए करम, जल्दी से दिखाइए, ये देख सकते हैं माहौल क्या है। यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है पुलिस की तरफ से, ये लगातार कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों से ना गुजरे, लेकिन जोन में जब लोग फंस रहे तो इसी तरह की स्थिति आ रही है। हम आपको तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार, आपने देखा कैसे मिसाइल से लगातार हमला किया जा रहा है दोनों तरफ से, इसराइल भी हमला कर रहा है गाजा पट्टी पे, हमास की तरफ से भी गोले दागे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें यहाँ सड़क की देखिए, न्यूज 18 इंडिया की तस्वीर, न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें बयां कर रहा है। यहाँ से गाजा पट्टी महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और वॉर जोन जो है वो दक्षिण का इलाका है इस बार इसराइल में। लगातार हमास और इसराइल के बीच बमबारी जारी है, गोल जी देखिए, ये तस्वीर, ये जो दीवार जंजीर की दीवार बनी थी, लोहे की दीवार बनी है, किस तरह की स्थिति हो गई है। ये मिसाइल से लगातार इसी तरह से हमला होता है। हमारे साथ रिकी शाही है, रिकी जी अभी हमने जो माहौल देखा, पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे, इसी तरह से बार बार हो रहा है? यस यस, दिस इज आवर लाइफ, वी आर डूइंग दिस ऑल द टाइम, दिस व्हाट वी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम्स, ऑल द डेज, ऑल द नाइट, एंड यू जस्ट नाउ। बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से हिला था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और पूरा का पूरा, तो इसी तरह की स्थिति होती है। आप गाड़ी से उतर गई, ऐसा हिदायत दी गई है? यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, इफ यू हैव अ मिसाइल यू हैव टू कम एंड बी विद नियर द वॉल, बिकॉज़ द वॉल इज सेफ टू यू। आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमारे आगे थी, वहाँ से एक महिला निकली, वहाँ दुबक के छिप गई, क्योंकि दीवार के नीचे जब आप जाते हैं तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं, ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर, ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी और यहाँ एक
भारतीय मूल का परिवार था जो बहुत पहले इजराइल आ चुके हैं यहूदी परिवार के, और किस तरह से हम लोग खुद गाड़ी छोड़ के भागे। यहाँ रुकना उचित है अब? इट इज सेफ टू बी हियर? इट इज सेफ टू बी हियर? इट्स नाउ इट्स सेफ बट इट कैन बी एनी टाइम। एनी टाइम? यस। तो वी आर मूविंग बैक और वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस? We going a small small Sivuv and we'll come back. देखिए, हम उन इलाकों में लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां स्थिति बहुत खराब है, लेकिन खुद वॉर जोन में, खुद मिसाइलों के बीच में हम लोग फंस गए। और ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया जो आपको दिखा रहा था, हमारे कैमरा पर्सन करम जो एक एक तस्वीर को कैद कर रहे थे, अब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब एक बार फिर देखिए स्थिति जो है, फिर से थोड़ी आपको सामान्य दिखेगी, लेकिन पूरा का पूरा सड़क वीरान सा है। और इस तरह से स्थिति सामान्य होती है, मिसाइल दगता है, गोलीबारी होती है, और फिर कुछ कार्य आपको सड़क पे दिखेंगी। हम भी उसी तरह से निकलते हैं, कैमरा पर्सन करम से कहेंगे वो अपनी सीट ले। और यहाँ इस ये जो हमारे पास वाक्या घटा है, हम बिल्कुल सहम गए थे। जो परिवार हमारे साथ निकले हैं उनके लिए भी और खुद के लिए भी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार गाजा पट्टी, एस्केलोन, इजराइल के हर इलाके से वो तस्वीर आपको दिखाएगा जो आपने पिछले कई दशक में इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में भी नहीं देखी है, इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई में भी नहीं देखी है। पूरा का पूरा एस्केलोन वॉर जोन में तब्दील हो गया है। अभी न्यूज 18 इंडिया की टीम थोड़ी देर पहले मिसाइलों के बीच फंसी थी। इजराइल की तरफ से भी हमला हो रहा है, हमास की तरफ से भी हो रहा है। और देखिए ये मिसाइल, आपको ये मिसाइल छोड़ी गई थी, क्या स्थिति है। इस तरह से हर मिनट पे, कुछ कुछ मिनटों पे इस तरह की मिसाइल छोड़ी जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आकर टकराई है, उन धमाकों की गूंज हमें भी सुनाई दी थी। यहाँ कुछ मार्केट एरिया खुले हुए हैं और इस तरह की तस्वीर आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। हर तरफ शीशे टूटे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रही है, देख सकते हैं। ये मिसाइल, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ये मिसाइल छोड़ी गई। दोनों तरफ से इस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ आकर टकराया था, यहाँ आकर टकराया था। करम आप दिखाइए, ये यहाँ आकर टकराया और इसकी गूंज यहाँ से 100-200 मीटर तक हम तक सुनाई दी थी, जहाँ गाड़ी के शीशे टूट गए। और यहाँ ये देखिए, इस तरह से बीच बीच में लगातार जो ध्वस्त होते हैं बिजली के खंभों पर, बिजली की तार पर प्रभाव पड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता। और इधर करम, इधर दिखाइए, ये एस्केलोन में है। एस्केलोन सबसे बड़ा शहर है दक्षिण का, जहां हमास ने हमला किया, जिसका जवाब दक्षिण में शहर है, हमास से नज़दीक है, तो हमास के निशाने पे सबसे नज़दीक भी है। और हमास को निशाना लगाना भी यहां से, हमास को भी निशाना लगाना आसान होता है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा पट्टी में, देख सकते किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। लगातार कई मिसाइल से एक के बाद एक हमला हुआ, इसी तरह से लगातार दुकानों में, घरों पर हमले हो रहे हैं। एस्केलोन की यही स्थिति है, सड़क पे यहाँ आना, गाड़ियाँ जरूर चल रही हैं लेकिन जीवन और मौत का फर्क बहुत कम है। वहाँ दूर देखिए, वहाँ दूर जो कार है उसकी स्थिति क्या है। इसी तरह से मिसाइल लगातार छोड़े जाते हैं और स्थिति सड़क पर क्या, ये गाड़ियाँ चल रही हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती जरूर है, लेकिन जैसे ही सायरन बजता है उसके तुरंत बाद लोग छुप जाते हैं दीवारों में, दीवारों की आड़ में छुप जाते हैं ताकि जान बचे। अभी हम भी फंस गए थे और स्थिति आपने देखी थी। तो ये है, इसके लॉन वीरान सा हो गया है, यहाँ लोग घरों में दुबके हुए हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन बाहर ज़रूर निकलते हैं। अगर नुकसान होता है तो घरों की मरम्मत करने, दुकानों की मरम्मत करने, मार्केट की मरम्मत करने ज़रूर निकलते हैं। और कुछ देर पहले ये देखिए किस तरह से, अब ये मिसाइल का तो नहीं लगता लेकिन कुछ नुकसान हुआ है, उसी का ये है निशान, आप देख सकते हैं। तो इतना ज़ोरदार ढंग से लगातार हमले किए जा रहे हैं कि एस्केलोन पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। अगर यहाँ जो लोग मौजूद हैं तो वो जीवन और मौत के बीच, बहुत पतली रेखा के बीच अपना जीवन जी रहे हैं, और लगातार उनके जीवन में युद्ध और मिसाइलें डेली जीवन का हिस्सा हो गया है।